इसका नाम पूछिए, मतलब आपका नाम क्या हुआ उसका तो पूछेंगे। पूछ क्या रहे हैं आप, नाम से क्या मतलब है? यहाँ बहुत अच्छा लगा है, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मैं घर में खाना पीना बनाई, आज फर्स्ट जनवरी था इसलिए मैंने घूमने के लिए निकला है, यहाँ पे पार्क था। तो आपको फूल वसूल है यहाँ? वसूल तो हो गया, ये भी मना रहे हैं और घूम भी रहे हैं। हाँ। और एक जनवरी भी है और गिरिडीह से आए हैं। हाँ, है। बोनस पे बोनस है। हाँ। यहाँ का इस तरह का व्यवस्था देख करके अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। स्टडी करते हैं जारीबाग में, बुखारों से आई हैं, उसी के चलते आप घूम। मैं हूँ संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। अभी मैं इस वक्त मौजूद स्वर्ण जयंती पार्क जो कि झील परिसर के समीप है, यहाँ देख सकते हैं लोग कितना जमावड़ा है, भीड़ क्राउड है, लोग एक जनवरी के उपलक्ष्य में लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ और एक जनवरी के उपलक्ष्य में लोग आनंद लेते हैं। देख ही सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। चलिए अंदर जाएंगे और अंदर जाके एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे यहाँ क्या व्यवस्था बनाई गई है यहाँ एक जनवरी को लेकर के। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। स्नेहा कुमारी, आप कहाँ से आए हैं? न्यू एरिया हजारीबाग। देखिए स्वर्ण जयंती पार्क जो कि हजारीबाग झील परिसर के समीप है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और एक जनवरी भी आज है, इस उपलक्ष्य में लोग दूर दूर से आते हैं और लुत्फ उठाते हैं। नहीं, अभी जस्ट आई हूं। अब घूमिए उसके बाद बात करेंगे। तो इसका नाम पूछिए, मतलब आपका नाम क्या हुआ उसका तो पूछेंगे। पूछ क्या रहे हैं आप, नाम से क्या मतलब है? अरे कैसा लगा घूमने में यहाँ से बताइए। अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं आप? यहीं की है, नॉर्मल है, हम तो यहाँ कई बार आ चुके हैं। यहीं का मतलब यहीं कहाँ है आप? बुखारो। अच्छा, चलिए वहाँ से आई आप यहाँ घूमने के लिए, कैसा लगा घूमने में यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत इंजॉय किया। तो किसके यहीं एक जनवरी के उपलक्ष्य में आए आप? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। स्टडी करते हजारीबाग में, बुखारों से आई हैं, उसी के चलते आप घूम लिए यहाँ? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डस्टिंग वगैरह है जो भी, वो सारे चीजों को और जो जगह पे होना चाहिए और जो भी चीज है उसे थोड़ा सा और भी मेंटेनेंस करने की जरूरत है, जैसे कि वो गांधी जी का वो स्टैचू वगैरह है उसे कलर करने की जरूरत है, वही सब। चलिए देख सकते हैं स्वर्ण जयंती पार्क में ऐसा व्यवस्था बनाया गया है, फुहारा लगा हुआ है, लोग इसका आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। मैं बरकट्ठा से आया हूँ। बरकट्ठा से आप यहाँ घूमने आई हैं? जी जी। कैसा लगा घूम करके यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बाहर बोटिंग भी की। हाँ। वहाँ भी अच्छा लगा, यहाँ का इस तरह का व्यवस्था देख करके अच्छा लग रहा है। और जो इस तरह का व्यवस्था किए हैं उनको धन्यवाद देता हूं मैं, बच्चे आकर के यहां लुभाते हैं। हाँ। बहुत अच्छी है। हम गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से आप झील परिसर में घूमने के लिए आए एक जनवरी के उपलक्ष्य में? नहीं। हाँ। हम यहां पे कोचिंग पढ़ने आए हैं। अच्छा, कोचिंग पढ़ने आप आए हैं, उसी में आप घूम भी ले रहे हैं? हाँ, घूम भी ले रहे हैं। इनका डबल अभी हम बर्थडे मतलब मनाने आए हैं, बर्थडे भी मना रहे हैं और घूम भी रहे हैं और एक जनवरी भी है और गिरिडीह से आए हैं। हाँ, गिरिडीह बोनस पे बोनस है। फाउंटेन और भीड़ देख के अच्छा लग रहा है। हाँ। और ऐसा माहौल मींस आज के दिन ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। और दिनों के मुकाबले आज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। थोड़े बहुत कचड़े, जो कचड़ा है, क्लीननेस की जरूरत है, बाकी सब बहुत अच्छा है। पेंटिंग की जरूरत, जैसे स्टैचूज वगैरह थोड़ा ओल्ड होने चला है तो उसको थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, पेंटिंग की जरूरत है ताकि वो अच्छा अट्रैक्टिव लग सके। उसी उपलक्ष्य में ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। मेरा रानी नाम हुआ। कहाँ से आए आप सेल्फी लेने? मंडे से। मंडे से आप यहाँ घूमने आए हैं, कैसा लगा घूमने? स्वर्ण जयंती में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। हाँ, कुछ तो सुधार होना चाहिए। क्या क्या, जैसे पब्लिक के लिए मतलब कुछ सुविधा या कुछ क्या में सुविधा में क्या होना चाहिए आप लोग के लिए? देखिए सेल्फी तो बना दिया गया, आप लोग सेल्फी पॉइंट आप लोग तो ले रहे हैं सेल्फी, और क्या बनाने की जरूरत? और तो अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं। काफी शानदार है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। हाँ, आप पहली बार आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? पहली बार नहीं आई हूँ, मतलब इंटरव्यू पहली बार दे रही हूँ ना, इसीलिए। पूर्णिमा। कहाँ से आए? यहीं से आया। अब यहीं से हैं। कैसा लगा घूमने में यहाँ? बहुत अच्छा लगा। चलिए, क्या क्या शानदार लगा हो आपको यहाँ? नया झरना है वहाँ पे। अच्छा, झरना नया है। हाँ। वो लगा हो। और क्या क्या टिकट क्या लगा आप लोग को आने के? टिकट तो 15 रुपए लिए। 15 रुपए जी। जब हम पहले यहाँ आते थे, चाहे आप लोग भी आते होंगे, तो पैसा नहीं लगता था। जी नहीं, अब पैसा लगने लगा। जी जी। क्या लगता है पैसा के अनुसार यहाँ काम हुआ है? वो तो 15 रुपए लाइक है, वैसा तो नहीं हुआ है सर। मतलब 15 रुपए बेकार है? जी जी है, कुछ एक झरना ही है और कुछ तो वो तो व्यवस्था नहीं है। अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलिए, यहाँ आप आएंगे तो यहाँ खाने पीने का सारा व्यवस्था बनाया गया है। देख जिस प्रकार देख रहे हैं, लोग फैमिली के साथ आते हैं, टाइम एक्सपेंड करते हैं यहाँ, अच्छा लगता है। 15 रुपया? 15 रुपया लाइक घूमने का जगह है? हाँ है। है बिल्कुल, मतलब 15 रुपया जो दी है आपको फुल वसूल है यहाँ? वसूल तो हो गया। और यहाँ और अच्छा जगह भी है, होना चाहिए, बट अभी हम घूरे नहीं है, उधर जाएंगे। पूरा नहीं घूमे आप? अभी नहीं घूरे, घूरेंगे तो। अभी आप मेनू यहाँ देख रहे हैं, क्या क्या खाएंगे आप? मैं करती हूँ पनीर चिली। तो जब आप स्वर्ण जयंती पार्क में आएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, काफी शानदार व्यवस्था बनाया गया है बच्चों के लिए, खास करके दिया गया हेलीकॉप्टर टाइप में बनाया गया है,
और देखिए उधर झूला भी है, उसमें बड़े बच्चे सब लुफ्ट उठाते हैं, सभी लोग आते हैं आनंद लेते हैं। नाम दीवा जरीन हुआ। हाँ, कहाँ से आई आप? मिल्लत कॉलोनी से। आप मिल्लत कॉलोनी से यहाँ घूमने आई हैं? हाँ। कैसा लगा घूमकर यहाँ? अच्छा लगा। क्या क्या घूमने की साधन है यहाँ, जैसे झूला है? यहाँ बहुत अच्छा लगा, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे है, मैं घर में खाना पीना बनाई, आज 1 जनवरी था इसलिए मैंने घूमने के लिए निकला है। यहाँ पे पार्क था, मतलब नाव वाला है, बच्चे लोग के लिए ट्रेन है और ये सब झूला है, मेरे बच्चे लोग बहुत खुश हुए झूला से। चलिए काफी शानदार, आप झूला झूले? हाँ, मैंने ट्रेन वाला झूला। कैसा लगा झूल कर? मुझे थोड़ा सा झूला से डर लगता है इसलिए मैंने ट्रेन वाला झूला झूला। टिकट तो पहला चीज तो होना नहीं चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्क है जो सरकारी पार्क है जहाँ पे टिकट नहीं होते हैं। हालांकि 15 रुपए के लायक ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा इसको और बेहतर किया जा सके। 15 रुपए जो लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं 15 रुपया लायक उसको सुविधा मिलना चाहिए या उनको मनोरंजन मिलना चाहिए। हाँ? देख सकते हैं लोग। देखिए, मेरा कहना है कि ये तो हर साल आते जनवरी, आज 2022 गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। हर साल जो हर इंसान से जो पैसा जो हम लोग सबमिट करते हैं, लेते हैं, चार्ज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पार्क को मेंटेन करें ताकि और अच्छा हो, बैठने की थोड़ा सुविधा होनी चाहिए। हाँ। तो कुछ कुछ होनी चाहिए, कैबियन वगैरह पूरा शानदार बनाना चाहिए ताकि लोग आएंगे दूर दूर से। हाँ। बैठेंगे। ये तो हर साल मतलब इंटरटेनमेंट के लिए हर इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर होगा कि हम लोग इसको और अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। सरकार से ज्यादा खुद पे हम लोग को मतलब खुद पे मतलब ध्यान रखना चाहिए कि खुद से ज्यादा हम लोग पार्क को अपने से स्वच्छ रखें, अच्छे रखें।